नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुतोष तिवारी। पूरा देश 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को लेकर उत्साह में है। हम अब 73वां 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन ही हमारा देश में जो संविधान है वो संविधान लागू किया गया था और हम फाइनली रिपब्लिक हुए थे, यानी भारत रिपब्लिक हुआ था। आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन हम रिपब्लिक कब हुए? 26 जनवरी को, 1950 को। अभी जो 26 जनवरी है ये जब भी आती है, यानी जो अब हम 73 सालों से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जिस साल भी आती है उस साल कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आखिर हम 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं अपना रिपब्लिक डे। अगर मैंने ये बात बोली तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते क्योंकि इस दिन हमने संविधान को अपनाया था। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि संविधान तो हमारा बनके तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन हमने उसको उसी टाइम अडॉप्ट क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे कि पढ़ने लिखने में टाइम लग रहा था, हमें समझने में टाइम लगा, इसके बाद से हमने एक तारीख तय की और जो 26 तारीख है जनवरी की, जो 26 तारीख है उस दिन हमने वो दिन सुनिश्चित किया हमारा जो संविधान है उसे लागू करने की। लेकिन क्या ये सच बात है? क्योंकि ये जो 26 तारीख है ना, इसकी हमारे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। 26 जनवरी से हमारी ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, लड़ाई, हमारी आज़ादी की लड़ाई से लेकर के रिपब्लिक डे तक की। तो क्या है 26 जनवरी के दिन ही 26 रिपब्लिक डे मनाने का राज, हम आपको बताते हैं। और इस 26 तारीख जो है इसकी क्या महत्वपूर्णता है ये भी हम आपको बताते हैं। ये जानने के लिए हम सबसे पहले 1929 में जाना होगा। 1929 दिसंबर, लाहौर में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स की जो नीति थी उसके खिलाफ। और उसमें ये नारा देते हैं पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वराज का जो नारा देते हैं 1929 में दिसंबर में, और इस पर पहल करते हैं कि भारत को पूर्ण स्वराज यानी भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए। किससे? ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल से आज़ादी चाहिए। ऐसा ये भी बताया जाता है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों को इस बात की मान्यता दी थी कि आप सरकार अपना चुन सकते हैं, लेकिन जो सरकार होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की यानी ब्रिटिशर्स की ही सरकार होगी, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जाता है। और ये आंदोलन जो होता है उसको ब्रिटिशर्स मानते भी हैं, और इस आंदोलन को कब अपनाते हैं, कब मानते हैं, और पूर्ण स्वराज कब मिलता है हमें? 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी 1930 में हमें पूर्ण स्वराज मिलता है। और उसी टाइम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। कब से कब तक के लिए? 1947 तक, जब तक भारत से अंग्रेज छोड़ के चले नहीं जाते, यानी अंग्रेज होते हैं वो छोड़ के चले नहीं जाते। तो कौन सी तारीख थी? 26 जनवरी थी। और कहीं ना कहीं इसी 26 जनवरी को देखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जब भारत से अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, जब हम तिरंगा फहरा के अपना ऐसा कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे वाला दिन जब तय कर दिया गया, तब जो 26 जनवरी वाले दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे उसे उस दिन नहीं मनाया जाता था। यानी अब उसे क्या कर दिया गया, उस तारीख को जो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है उसको हमने रिपब्लिक डे में कन्वर्ट किया, और इसीलिए हम 26 तारीख को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इसीलिए ये खास है 26 तारीख हमारे जहन में, क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो हमें 26 जनवरी 1930 को मिला था। तो इसी महत्वपूर्ण 26 तारीख को जहन में रख के हमने रिपब्लिक डे इस दिन शिफ्ट किया, और इसीलिए ये जो दिन है वो सिर्फ एक रिपब्लिक डे के लिए खास नहीं है, ये हमारे लिए 1930 से ही खास है। और इसीलिए आज के दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और इसीलिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कैसी लगी ये जानकारी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।